लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। बड़वा में मालवीय गारी भारूड समाज और रेवा गुर्जर समाज का वसंत पंचमी पर सामूहिक विवाह संपन्न हुआ, जिसमें मालवीय गारी भारूड समाज के 31 जोड़े, गुर्जर समाज के 12 जोड़े और विश्वकर्मा समाज के 8 जोड़े शामिल हुए। खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल और विधायक सचिन बल्ला ने विवाह आयोजन में शामिल होकर वरवधुओं को आशीर्वाद दिया। इस दौरान सांसद गजेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सरकार की समस्त योजना कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का भी लाभ कम से कम लोगों को मिले, जिसके लिए उन्होंने साल में केवल 5 दिन तय किए हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार की योजना का लाभ आम जनता को कम, उनके नेताओं को अधिक मिल रहा है। सांसद के इस आरोप पर विधायक सचिन बिरला ने कहा कि आज जो सम्मेलन हो रहे हैं वह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कमलनाथ सरकार के माध्यम से हो रहे हैं, जिसके लिए सरकार द्वारा बेटियों के खाते में सीधे 51,000 रुपए की राशि डाली जाएगी और यह राशि जल्द ही बेटियों के खाते में मिलेगी। दोनों सामूहिक विवाह सम्मेलन में आए समाजजनों के लिए भोजन व्यवस्था के साथ बेटियों को दहेज में घरेलू सामग्री भेंट की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। आज हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा दिन है बसंत पंचमी का, ये शुभ अवसर है और बसंत पंचमी के अवसर पर जगह जगह पर सामूहिक विवाह का आयोजन होता है। आज में इस बड़वा में हमारे भारूड धनगर समाज का यह सामूहिक विवाह का आयोजन है और बहुत अच्छा आयोजन समाज के सभी सदस्यगणों ने किया है और ऐसा लगता है कि समाज की एकता का प्रदर्शन प्रदेश की पूर्व सरकार ने जिस प्रकार से यह सामूहिक विवाह का आयोजन शुरू किया है, इससे समाज की एकता जाहिर होती है और समाज के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ युवा भाई और बहनें इस सामूहिक विवाह में शामिल हो रहे हैं। अभूतपूर्व व्यवस्था इस सामूहिक विवाह में रहती है। मैं आभार मांगता हूँ आज के इस आयोजन पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी का, जिन्होंने सामूहिक विवाह का आयोजन सरकार के माध्यम से शुरू किया और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत समाज के सभी वर्गों के इस विवाह के आयोजन में शुरुआत करी है। मैं समाज का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने पूर्व की सरकार का वाचन करते हुए इस प्रकार के सामूहिक विवाह का आयोजन शुरू किया और समाज की एकता का परिचय दिया। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर हमारे सर्व समाज की सामूहिक विवाह सम्मेलन होते हैं, उसी के तहत मैं भी मालवीय गारी भारूड समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में आया हूँ, जहाँ पर वधू को हमने आशीर्वाद दिया है और बहुत ही अच्छे आयोजन हमारे क्षेत्र में सभी समाज मिलकर करते हैं। गुर्जर समाज हो चाहे भारूड समाज हो चाहे अन्य समाज, छोटे छोटे आयोजन करते हुए सभी लोग मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेते हैं और हमारी बेटियों को सशक्त बनाने के लिए माननीय कमलनाथ जी ने 51,000 रुपये बेटी के खाते में सीधे डालने का एक निर्णय लेकर सभी हमारी बेटियों की तरफ से उनको बड़ी कृपा उनकी हो रही है और आज हम सभी लोग मिलकर माननीय कमलनाथ जी का भी आभार। सांसद महोदय जी का आरोप है कि सामूहिक विवाह योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि पैसा आने में लेट हो रहा था, पैसा सभी दूर आ चुका है और आज जो आयोजन हो रहा है उसका भी पैसा आगे सीधे डल जाएगा और बेटियों को लाभ मिलेगा। बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ, एक देश सारे प्रदेश।